प्रयागराज की पुलिस ने अफीम की अवैध खेती किए जाने के मामले का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हंडिया तहसील के नौनरा परतीपुर गांव में करीब 10-20 क्षेत्रफल में अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। अफसरों के मुताबिक खेती की जा रही अफीम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए में है। पुलिस, आबकारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमों के साझा अभियान में खेती की गई अफीम को फसल को नष्ट करा दिया गया है। 10:15 बजे इंस्पेक्टर हंडिया साहब का फोन आया कि तहसील के ग्राम नोनरा में श्री विजय चंद्र मौर्य पुत्र राम मिलन द्वारा मौके गांव नोनरा में अफीम की खेती की जा रही है अवैधानिक रूप से। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर हंडिया, थाना हंडिया की टीम और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है। इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। लगभग 10 बीघा भूमि पर अनुमानित 900-950 के आसपास अफीम के पेड़ पाए गए हैं, जिनको उखड़वा के आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हंडिया भी मौजूद हैं। जो भी आगे भविष्य में विधिक कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको अवगत कराया गया। कितने पेड़ हैं मैम लगभग इसमें जो? अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है और अफगान से ही इसको पूरी दुनिया में नशे के सौदागर सप्लाई करते हैं। भले ही प्रयागराज में छोटे पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी, लेकिन अगर पुलिस को समय रहते इसको ना पकड़ पाती तो नशे की ये खेती अपना नेटवर्क तैयार कर लेती, फिर ये अफीम कहां कहां फैलती ये इसको रोक पाना काफी मुश्किल होता। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस ने संबंधित विभाग से संपर्क करके कार्रवाई की। पकड़े गए शख्स से पूछताछ की जा रही है, जिससे कुछ और खुलासे हो सकते हैं। आज दिनांक 14 मार्च 2024 को थाना क्षेत्र हंडिया में अवैध अफीम की खेती की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक हंडिया द्वारा एक खेत को सील किया गया। तत्पश्चात ACP हंडिया, आबकारी निरीक्षक और तहसीलदार वहां पर उपस्थित हुए। जो खेती वहां पे हो रही थी वो अवैध अफीम होने की पुष्टि हुई है। यह खेती लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में हो रही थी और ये विजय चंद्र मौर्य नामक व्यक्ति कर रहा था, उसी के नाम पर यह ज़मीन भी है। यहाँ पर तकरीबन 1500 अफीम के अवैध पौधे, अवैध अफीम के फल 1718, जिनका तकरीबन वज़न 136 किलो 340 ग्राम है, ये सील किया गया है और इसको हमने सीज़ किया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। अभियुक्त के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।